हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अहद हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर। होप यू आर वेरी वेल। सो दिस इज़ योर फोर्थ लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर क्लास 11th। इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो व्हाट वाज रदरफोर्ड मॉडल? उन्होंने ये बताया था कि जो एटम होगा उसके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस जो होगा वो एटम के मुकाबले बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, बहुत डेंस होता है, उसी में सारे के सारे मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसी के अंदर होगा। तो रदरफोर्ड ने बेसिकली किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है ना। और उन्होंने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें ये बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब किसी भी तरह से वो रैंडम मोशन करेगा, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उनको रदरफोर्ड ने भी मतलब उनका लेक्चर सुना और उनके लेक्चर्स को अटेंड किया। किसने? नील बोर ने भी। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि रिलेटिव रैंडम, मतलब रैंडम मोशन करेगा। अगर रैंडम मोशन करता, कोई भी चीज़ रैंडम मोशन करता, तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होता? देखिए, कोई भी चार्ज बॉडी, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका किसी भी पाथ में ऐसे रैंडम मोशन करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज़ करेगा। लूज़ करते 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 क्या होगा, इसमें जा करके वो मर्ज हो जाएगा। बस समझ में आ रही? लेकिन हम जानते हैं कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिस ऑर्बिट में रहता है उसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्यूशन करता रहता है, ठीक है ना, और मर्ज नहीं होता न्यूक्लियस में। बात समझ में आ रही है? तो अगर रैंडम मोशन करता तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो रदरफोर्ड ने बताया कि किसी भी मतलब रैंडमली वो इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है न्यूक्लियस का, तो वो क्या हो गया, वो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग गलत हो गया। तो नील बोर ने वहीं तुरंत क्वेश्चन उठाया, जैसे एटॉमिक मॉडल तो किसने दिया था, और जे जे थॉम्सन ने भी दिया था अपना। तो जे जे थॉम्सन ने क्या दिया था, वाटरमेलन वाला मॉडल, तो जो कि एकदम फ्लॉप मॉडल था, लेकिन कई सालों तक उसको पढ़ाया गया है ना। लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की, उन्होंने अपना मॉडल दिया और बहुत ही सॉलिड मॉडल दिया था। बस उनसे क्या गलती हो गई, वही हम लोग को देखना है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में, ठीक है ना। उसको करेक्शन किसने किया था? नील बोर ने किया था। जो भी रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे उसको करेक्ट किसने किया? नील बोर ने किया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, जैसे जैसे पढ़ेंगे कुछ चीज़ें आपको मतलब बाउंस कर गई होंगी, कोई बात नहीं बच्चों, हाँ, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करूँगा, समझ में आ जाएगा। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थियरी थी मैक्सवेल की, मैक्सवेल कौन थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, ओके तो मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली थियरी है वो क्या है, अ चार्ज बॉडी मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस लूजेज एनर्जी कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर कोई भी दो चार्ज बॉडी है ना, अभी मैंने बोला ना कि कोई एक चार्ज है ना, कोई मान लीजिए दूसरा चार्ज है, ठीक है, अगर ये क्या करेगी, रिलेटिव रैंडम मोशन करेगी, तो ये कंटिन्यूस अपनी क्या करेगी, एनर्जी को लूज करेगा, है ना, चार्ज बॉडी क्या करेगी, एनर्जी को लूज करेगी। किस फॉर्म में लूज करेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लूज करेगी अपनी एनर्जी, ठीक है ना। और वो जिस रेडियस क्या रहेगा, उससे रेडियस कम होता 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 वो मर्ज कर जाएगा। बात समझ में आ रही? जो एनर्जी इसके पास यहाँ पे है, यहाँ जाने के बाद एनर्जी कम हो जाएगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में निकल गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकल गई, है ना। दस द इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज बॉडी, और हम जानते हैं क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज बॉडी है, एंड इट शुड एमिट रेडिएशन वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और इसको क्या करना चाहिए, जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम में चक्कर लगाता है, तो इसको रेडिएशन क्या करना चाहिए, एमिट करना चाहिए, निकालना चाहिए, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉन शुड लूज लॉस एनर्जी एट एवरी टर्न एंड मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ। एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए, देखिए यह है ना, यह है मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, ये इसका क्या था, ऑर्बिट था, ऐसे घूमते 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 क्या हुआ, जैसे ही इसने चक्कर लगाया उसकी एनर्जी कुछ लूज़ हुई और वो और नज़दीक आ गया, और इसने एक चक्कर लगाया इलेक्ट्रॉन ने और एनर्जी कम हुई और पास आ गया, और उसने एक चक्कर लगाया और एनर्जी मतलब इसकी लूज़ हुई रेडिएशन के फॉर्म में और पास हो गया, और ये घुमा जा करके पॉजिटिव चार्ज में मर्ज हो गया। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूस मोशन करता है, लेकिन ये न्यूक्लियस में जा करके मर्ज नहीं होता है। बात समझ में आई? अगर हम रदरफोर्ड का मॉडल मान लें कि किसी भी पाथ में मतलब वो रैंडम मोशन करेगा न्यूक्लियस का चारों तरफ, तो उसको एनर्जी एमिट करना चाहिए। रैंडम मोशन का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, रैंडम मोशन का मतलब मान लो न्यूक्लियस है तो वो ऐसे ऐसे करे, है ना,
और जो मतलब एक फिक्स मोशन हो, मतलब एक पाथ के तहत वो मूव कर रहा हो, तो कुछ ऐसा हो है ना जहाँ से मतलब वो निकले। ऐसे देखिए, मान लीजिए ऐसे ऐसे भी कर रहा है मूव, तो जा करके एक परफेक्ट टच दे, है ना, एक परफेक्ट यहाँ पे फिर से वहीं पे जा करके मोशन करने लगे। या मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, तो ठीक है ऐसे सिंपली मोशन करता रहे अपना, है ना, रिवॉल्यूशन करता रहे, तभी नहीं जा करके उसकी एनर्जी लूज़ नहीं होगी। जैसे ही बात आई कि रैंडम मोशन, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ कहीं उसका मतलब आ रहा है ये कट, तो ये एक रैंडम मोशन हो गया। मतलब ये देखिए, जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वहीं पे जा करके ये लग गया, इसका मतलब ये रैंडम मोशन नहीं। रैंडम मोशन क्या है बच्चों, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, ऐसे करते 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 यहाँ गया, और ये करते हुए यहाँ आकर के इसने कट किया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है मोशन कर रहा है, लेकिन अपने जहाँ से इनिशिएट किया था वहाँ पे जा करके नहीं जा रहा, अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रैंडम मोशन है। बात समझ में, ये रैंडम मोशन नहीं है, ये रैंडम मोशन बिल्कुल नहीं है। जहाँ से स्टार्ट करे वहीं पे जा करके अगर लग जाए, ये नहीं बच्चों, यहाँ से किसी भी तरीके का हो, ये नहीं होना चाहिए शेप सर्कुलर ही हो, नहीं, शेप कैसा भी बनाए किसी भी तरह का मोशन करे, बस क्या है जहाँ से स्टार्ट करे इलेक्ट्रॉन वहीं पे जा करके फिर से दोबारा वही पाथ रिट्रेस कर ले। बात समझ में, ये वाला नहीं बच्चों, इसको देखिए आप, ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। और हम जानते हैं कि इस तरीके का कुछ हम मॉडल बताते हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो मर्ज नहीं करता है, बेसिकली बच्चों क्या है, मर्ज नहीं होता है ना। लेकिन जो रदरफोर्ड ने बताया उसके अकॉर्डिंग कि रैंडम मोशन हो रहा है तो उसको मर्ज कर जाना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में जा करके मर्ज हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मर्ज नहीं होता है, वो तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग था कि मर्ज कर जाएगा। ओके, अब चला जाएंगे, चलिए, द ऑर्बिट विल बिकम स्मॉलर एंड फाइनली द इलेक्ट्रॉन वुड फॉल इन टू द न्यूक्लियस। जो अगर रैंडम मोशन करेगा ना, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लोज एंड क्लोज आता जाएगा, एनर्जी लूज लूज करता जाएगा रेडिएशन के फॉर्म में, और जा करके मर्ज हो जाएगा कहाँ, न्यूक्लियस में। ओके, द एटम शुड कोलैप्स, द कैलकुलेशन हैव शोन दैट इट शुड टेक ओनली 10⁻¹⁸ सेकेंड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू स्पायरल इन टू द न्यूक्लियस, हाउएवर दिस नेवर हैपन्स, ठीक है ना। इतने ही सेकंड में जा करके इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाना चाहिए, इसके अंदर मर्ज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बात समझ में आई, 1 सेकंड से बहुत कम टाइम में ही इलेक्ट्रॉन अगर मोशन रैंडम मोशन करेगा, तो 1 सेकंड से बहुत कम टाइम में ही वो जा करके कहाँ मर्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, रिलेटिव रैंडम मोशन होगा तो एनर्जी लूज होगी रेडिएशन के फॉर्म में, और जब एनर्जी लूज होगी तो वो इलेक्ट्रॉन पास आता जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, ये रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग था, जिसको किसने ऑब्जेक्ट किया, नील बोर ने। नील बोर ने कहा कि मिस्टर रदरफोर्ड, क्या आपने नहीं सुना कि जेम्स क्लार्क मैक्सवेल हैं, उन्होंने बोला है कि कोई भी दो चार्ज बॉडी अगर रैंडम मोशन करती है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करती है, लूज करती है। तो रदरफोर्ड ने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। और इस पर फर्दर किसने काम किया, नील बोर ने किया। तो उसी के डेवलपमेंट को हमको पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, हम लोग का रदरफोर्ड मॉडल बहुत छोटे में है, ठीक है ना बच्चों। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, नील बोर का मॉडल पढ़ना है ना, जो मेन है। मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को नील बोर का जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। देयर फॉर रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। हमारा जो जे.जे. थॉम्सन का मॉडल ऑफ एटम था वो फेल हो गया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, बहुत अच्छी बात रही, लेकिन उनका मॉडल फेल हो गया, वाटरमेलन मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा किया, न्यूक्लियस की खोज की, उन्होंने बताया कि सारे मैसिव पार्टिकल्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस एटम से मतलब बहुत छोटा होता है, लाख गुना छोटा होता है लगभग, ठीक है ना। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि जो सारे के सारे मैसिव पार्टिकल हैं, जैसे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो बहुत छोटे से पार्ट में एटम के हैं, बाकी सारा पार्ट क्या है, खोखला है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई तो मास होता नहीं है, तो वो मैसिव है नहीं ज़्यादा, है ना। जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो मैसिव पार्टिकल हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये कंक्लूजन रदरफोर्ड के मॉडल से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो इनका रदरफोर्ड का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत अच्छा है अपने आप में। अब कुछ चीज़ें उन्होंने मतलब एरर कर दी, तो उसको कौन सही करेगा, नील बोर, ठीक है। देयर इज़ अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। उन्होंने क्या नहीं किया, रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं मतलब डिफाइन कर पाया, एक्सप्लेन कर पाया। भाई हम जानते हैं एटम स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाता है, आज जानते हैं हम अच्छे से, और इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर मर्ज नहीं होता, लेकिन इनके मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड की, जो इलेक्ट्रॉन ये एटम का मॉडल बता रहे थे उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए था, जा करके मर्ज हो जाना चाहिए था, इनके अकॉर्डिंग मर्ज नहीं होता। इनके अकॉर्डिंग ये जो बात बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा,
ये बिल्कुल नहीं बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जा करके इसमें मर्ज हो जाएगा। रदरफोर्ड ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा। तो नील बोर ने कहा कि अगर रैंडम मोशन करेगा तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग इस तरीके की कुछ सिचुएशन बन जाएगी, इसलिए आपका मॉडल फ्लॉप है। दूसरा क्या ड्रॉबैक था, दूसरा ड्रॉबैक ये था कि देयर इज अनदर सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये एटम के स्ट्रक्चर को भी नहीं डिफाइन करता। किसका मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अच्छी बात क्या निकली बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी, जो बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो भी नहीं डिफाइन कर पा रहा था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जीज, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड है ना, और उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था रदरफोर्ड का जो मॉडल उन्होंने अपना प्रपोज किया था। ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉडल्स टू इम्प्रूव रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, टू न्यू कॉन्सेप्ट्स प्लेड अ मेजर रोल, दीज आर, ठीक है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस मीन्स दैट लाइट हैज़ बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए जो रदरफोर्ड का मॉडल था, ठीक है, उसके लिए क्या मतलब हुआ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ टू इम्प्रूव रदरफोर्ड मॉडल, मतलब रदरफोर्ड मॉडल जो था वो थोड़ा ठीक ठाक तो था, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया, दो नए कॉन्सेप्ट प्लेड अ मेजर रोल, दो नए कॉन्सेप्ट लाए गए। ठीक है, दीज आर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है, इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। ड्यूअल नेचर मतलब एक पार्टिकल नेचर होगा, एक वेव नेचर होगा। ठीक है ना, अभी आप लोग इसको समझेंगे। दिस मीन्स दैट लाइट हैज़ बोथ पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। अच्छा बच्चों, ये वेव क्या होती है, वेव आप जानते होंगे, जैसे पानी में एक आप पत्थर को गिराएंगे एक वेव बनती है, और ये तो वेव नेचर हो गया। पार्टिकल नेचर क्या है, जैसे आपको किसी चौक से मारा जाए तो चोट लगेगी, तो वो चौक की पार्टिकल नेचर है। ठीक है ना, तो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों डिफाइन किया गया एटम के लिए। ठीक है, टू न्यू कॉन्सेप्ट, चलिए ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग क्वांटाइज्ड फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन एटम। ठीक है, अभी हम लोग ये सब देखेंगे आगे चल के, जैसे जैसे हम लोग नील बोर का मॉडल देखेंगे। ठीक है ना, स्पेक्ट्रा क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए स्पेक्ट्रम आप लोगों को पता होना चाहिए, ये प्रिज्म है, यहाँ से कोई लाइट सोर्स रखा, ये क्या होगी, डिस्पर्स हो जाएगी। ठीक है ना, विवग्योर में वाइट लाइट को अगर हम यहाँ से किसी मीडियम से पास कराते हैं, टॉर्च वॉर्च लगा करके, यहाँ छेद करके, कार्डबोर्ड लगा करके इससे पास कराएंगे, तो हम जानते हैं कि विवग्योर में ये क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या बना रही है, बेसिकली ये एक अपना स्पेक्ट्रम बना रहा है। ठीक है ना, तो स्पेक्ट्रम आप लोग समझ में आ गया होगा क्या होता है। ठीक है, चलिए, लेट अस ब्रीफली लर्न अबाउट दीज कॉन्सेप्ट बिफोर स्टडिंग अ न्यू मॉडल प्रपोज बाई नील बोर नोन एज बोर मॉडल ऑफ एटम। तो हम लोग कुछ देखते हैं, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट का नेचर क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। अच्छा बच्चों, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो सन से लाइट आती है ना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों पढ़ा, क्योंकि जब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे लाइट है, लाइट जब मूव करती है, प्रोपोगेट करती है, तो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है उसके पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनाती है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का ये कॉम्बिनेशन होता है, और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये फिजिक्स में आप लोग 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। द अर्लीस्ट व्यू ऑफ लाइट ड्यू टू न्यूटन रिगार्डेड लाइट एज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है, जो लाइट है वो किससे बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है, कॉमनली टर्म्ड एज कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है, लाइट जो है वो उसका पार्टिकल नेचर है। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन्ड सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स सच एज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जिसको आपने 10th में पढ़ा होगा, इसको आप पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, जहाँ पे उसको पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ती है हम लोग पार्टिकल की तरह उसको ट्रीट कर लेते हैं, जहाँ पे वेव की तरह जरूरत पड़ती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव की तरह हम लोग ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, ड्यूअल नेचर होता है। ओके चलिए, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है लाइट का, ये प्रूफ करता है कि लाइट लाइट क्या है, एक पार्टिकल है ना, वो उसका पार्टिकल नेचर है। हाउएवर इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अब हम जानते हैं कि लाइट का क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है उसका क्या होता है, उसका इंटरफेरेंस होता है एंड डिफ्रैक्शन होता है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन भी आप लोग 12th में फिजिक्स में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो ये सारे नेचर क्या है, जो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन है ये बताता है कि वेव नेचर है लाइट का, ठीक है ना। तो बच्चों मैं लाइट बोलूँ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलूँ, ये बात दोनों एक ही है बच्चों। कोई भी चीज़ 3×10^8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर ट्रैवल करती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और लाइट जो होती है, जो हमारा विजिबल रेज होता है, उसकी स्पीड 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है वैक्यूम में। ओके चलिए बच्चों, द कॉर्पस्कुलर थ्योरी वॉज देयर फॉर डिस्कार्डेड एंड हाइजेंस प्रूव्ड, हाइजेंस एक साइंटिस्ट थे, प्रपोज्ड वेव लाइक कैरेक्टर ऑफ लाइट्स। जो हाइजेंस थे उन्होंने क्या किया, वेव लाइक कैरेक्टर प्रूफ किया, मतलब प्रपोज किया, है ना। न्यूक्लियर जो न्यूटन के अकॉर्डिंग था वो क्या है, लाइट, लाइट क्या है, एक इसका पार्टिकल नेचर है। जो हाइजेनबर्ग थे उन्होंने क्या किया, प्रपोज किया वेव लाइक कैरेक्टर ऑफ लाइट, मतलब वेव नेचर उन्होंने बताया विद द हेल्प ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट। इन्होंने कौन सी थियरी दी थी, हाइजेनबर्ग ने वेव थियरी दी थी, ठीक है ना। हाइजेंस एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अब हाइजेंस ने क्या किया, जो इंटरफेरेंस था और डिफ्रैक्शन था इसको एक्सप्लेन किया। डिफ्रैक्शन आप लोग समझते होंगे बच्चों, जैसे डिफ्रैक्शन क्या है, जब कहीं पे थोड़ा सा अंधेरा कमरा है और दरवाजे कई कमरे के खुले हुए हैं ना, एक तरफ से लाइट आ रही है और आप देख रहे हैं कि अंदर जाने पे थोड़ा 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 कई कमरों में लाइट जा रही है, मतलब लाइट एक ही कमरे में पड़ रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा वो ट्रैवल करते हुए दूसरे कमरे तक भी पहुंच जा रही है, दूसरे तीसरे में भी पहुंच जा रही है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग 12th में बहुत अच्छे से ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ये भी देख लीजिए। इन 1870 जेम्स क्लार्क मैक्सवेल प्रपोज दैट लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी प्रोपोगेट थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। 1870 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रपोज किया क्या कि लाइट और अदर फॉर्म ऑफ रेडिएंट, जो रेडिएंट के अदर फॉर्म है ना एनर्जी, प्रोपोगेट करते हैं थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के फॉर्म में स्पेस में ये क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। दीज वेव्स हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएटेड विद देम एंड आर देयर फॉर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी मैंने बताया ना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो एक्चुअली क्या बनाता है, जब भी ये प्रोपेगेट करता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये बनाते चलता है ना, जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारे तक पहुंचते हैं, तो ना ही वो उसमें कोई चार्ज होता है ना ही कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है लाइट रे में, है ना। लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहलाता है, क्योंकि जब वो प्रोपेगेट करता है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चों। लेकिन वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए लाइट रे के पास ना ही मैग्नेटिक बिहेवियर होता है और ना ही कोई इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है, ठीक है। वेव मोशन क्या होता है बच्चों, ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विद द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग अ स्टोन इनटू अ क्वाइट पॉन्ड। मान लीजिए कोई तालाब है, वहाँ वह शांत है, उसमें हम एक स्टोन को थ्रो करें तो क्या होगा, हम देखेंगे सरफेस ऑफ वाटर पर क्या हो रहा है, एक कुछ वेव्स क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। द वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस एंड प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट। अप एंड डाउन मूवमेंट के मतलब क्या करेंगे, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है ना। जो उसके अंदर डिस्टर्बेंस होगा सेंटर में, तो वो डिस्टर्बेंस क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में प्रोपोगेट होगा आगे की तरफ, है ना। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्रेस्ट। अब पानी में आपने स्टोन को गिराया, शांत पानी में, तो आप देखेंगे कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे लहरें बनती है ना छोटी छोटी, तो जो मैक्सिमम ऊपर जा रहा है ना और जो मिनिमम नीचे, मतलब मैक्सिमम नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, जो लहर ऊपर आई उसको क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। जो नीचे मैक्सिमम मतलब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। ओके बच्चों, तो क्रेस्ट एंड ट्रफ। दस वेव्स मे बी कंसिडर्ड एज डिस्टर्बेंस विच ओरिजिनेट
from some vibrating source and travel outwards as a continuous sequence of alternating crest and trough. चलिए मैं समझाता हूँ बच्चों, इट इज़ नोन एज, इट इज़ सोन इन फिगर 10. तो ये आप लोग नाइन्थ में भी पढ़े होंगे, है ना, फिजिक्स में पढ़ा दिया जाता है. जैसे मान लीजिए हमने पानी में, एक ठहरे हुए पानी में स्टोन को गिराया, पत्थर को गिराया, तो क्या बनेगा, हम देखेंगे लहरें ऐसे बनती है ना, लहरें. तो लहरों में क्या होगा, ये मैक्सिमम ऊपर की तरफ एक बार जाती है, एक बार नीचे की तरफ जाती है. तो जो मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाएगी, जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे. और जो मिनिमम नीचे की तरफ जो रहेगा डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे. तो ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, ठीक है. दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों. ये वेव है, वाटर में वेव बनी है ना, जो वेव बनी, तो जो क्रस्ट और क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, और उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों. या आप इस डिस्टेंस को ना लेना चाहें तो दो ट्रफ के डिस्टेंस को ले लीजिए, इसको भी हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, चाहे इसको या इसको, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी बच्चों, ठीक है. या दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं, ठीक है. और जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये हाइट है, इस हाइट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं. इस हाइट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं. ये सरफेस होगा वाटर का, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे जाएगा ना इससे वाटर. तो जब ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जब सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे गया यहाँ पे, तो इसको क्रस्ट बोलते हैं. लेकिन यहाँ से इस हाइट को क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ऊंचाई, ठीक है ना. इसकी ऊंचाई क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. बात समझ आई, वेवलेंथ क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, है ना, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन, ऑल वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड. सारी की सारी वेव्स जो हैं, वो उनको कैरेक्टराइज्ड कैसे किया जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ देयर वेवलेंथ, या तो उसकी वेवलेंथ बता करके, फ्रीक्वेंसी बता करके, है ना, वेलोसिटी बता करके, उसकी वेलोसिटी क्या है, या एम्पलीट्यूड बता करके. ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, किसी वेव को के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं. दीज आर डिस्कस्ड बिलो. वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसका साइन ऐसा होता है. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ. तो हमने बताया, दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को ले लीजिए या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को ले लीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा एंड, चलिए बच्चों इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है. एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है. उसकी यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम में हम लोग जनरली लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो वेवलेंथ होता है वो बहुत छोटी डिस्टेंस होती है ना. जो लाइट सोर्स है हमारा, सन से जो सोर्स है लाइट आ रही ना, लाइट वेव की, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में लेते हैं. एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10^-8 सेंटीमीटर के बराबर होता है. लेकिन इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, 10^-10 मीटर के बराबर होता है. 1 मीटर का 10^10 टाइम डिवाइड कर दीजिए, वो जितना छोटा वाला पार्ट बचता है उसको एंगस्ट्रॉम बोला जाता है, ठीक है ना. यानी 10^10 मीटर को हम क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम मीटर से बहुत छोटा है, बहुत छोटी वैल्यू है ना. इट कैन बी आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज माइक्रॉन, माइक्रॉन मीटर, मतलब जो ये दिख रहा ना माइक्रोमीटर, 10^-6 को माइक्रोमीटर बोलते हैं. तो वेवलेंथ कोई कोई बड़ी होती है किसी किसी रेडिएशन की, या किसी किसी और अन्य सोर्स की, है ना. आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी कई तरह की होती है, जैसे हमारा विजिबल रेज हो गया, है ना, इंफ्रारेड हो गया, रेडियो वेव हो गया, फिर इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, है ना, और कॉस्मिक रेज हो गया. इस सबकी वेवलेंथ अलग अलग है बच्चों. जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतनी कम वेवलेंथ होती है, जितनी कम एनर्जी होती है उतनी ही ज़्यादा वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है. तो किसी किसी का हम लोग जो है जो वेवलेंथ होगा उसको हम लोग माइक्रोमीटर से मेज़र करेंगे, किसी को मिली माइक्रोमीटर से एक्सप्रेस करेंगे. तो ये सब सारी यूनिट होती हैं, ठीक है. एक अंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 angstrom = 10^-10 मीटर, है ना. एक माइक्रोमीटर जो होता है वो 10^-6 मीटर के बराबर होता है, है ना. एक जो है मिली माइक्रॉन मीटर जो होता है वो कितना होता है, 10^-9 मीटर, या इसको नैनोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है. जो ये 10^-9 मीटर है उसको नैनोमीटर बोलते हैं, 1 नैनोमीटर बोलते हैं. पिकोमीटर क्या होता है, 10^-12 मीटर. इसको मैंने जब आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था तो उसके स्टार्टिंग में समझा दिया था, ठीक है. जो प्रीफिक्स होता है मिलीमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब क्या होता है, ये सब समझा दिया था. अच्छा, दूसरा क्या है, वेव के बारे में जब हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं ना. दूसरा फैक्टर क्या है, फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से या न्यू, इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना. इससे डिनोट करेंगे, ठीक है, न्यू से. द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज द
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बच्चों क्या होती है। देखिए मान लीजिए आपने एक स्टोन को पानी में तालाब में गिराया और आप उसके पास बैठ गए, जैसे कि आपका कुछ है तालाब वाला टाइप का है कुछ, ठीक है ना। आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी है। आपने पानी में एक स्टोन गिराया, अब यहाँ से लहर बनना स्टार्ट हुई है ना, ऐसे बढ़ेगी, प्रोपोगेट करेगी आगे आगे की तरफ। अब आपने ऑब्जर्व किया, ये आपने एक क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया कि यहाँ से आपने देखना शुरू किया, यहाँ पे चले आए आप बैठते बैठते, ठीक है, उठ करके यहाँ चले आए, यहाँ पे गिरा करके स्टोन को आप यहाँ चले आए, यहाँ से गिनना स्टार्ट किया, एक वेव पास हुई, दो वेव पास हुई, तीन वेव पास हुई, चार, पाँच, एक सेकंड में पाँच वेव पास हुई, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, पाँच, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड में कितनी वेव्स पास होती है वही उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको इट इज़ डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर न्यू, द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी आर साइकल्स पर सेकंड, मतलब कितना साइकिल पर सेकंड होता है उसी को फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ पर सेकंड, पर सेकंड का जो है रेसिप्रोकल है रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड है, ये पर सेकंड का रेसिप्रोकल नहीं है, सेकंड का रेसिप्रोकल होता है। सेकंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन सेकंड, तो वन अपॉन सेकंड का मतलब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, एस माइनस वन, तो सेकंड इनवर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड, सेकंड है ये, ठीक है, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं पर सेकंड। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है इसका एसआई यूनिट, या क्या होता है पर सेकंड। आफ्टर द नेम ऑफ हेनरिच हर्ट्ज, वन हर्ट्ज इज इक्वल टू वन साइकिल पर सेकंड, एक हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, एक सेकंड में सिर्फ एक वेव किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रही है। अ साइकिल इज सेट टू बी कंप्लीटेड व्हेन अ वेव कंसिस्टिंग ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ पासिस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से क्रेस्ट और ट्रफ, देखो बच्चों एक साइकिल कब कंप्लीट होगी, जब मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से ये भी पास हो जाए और ये वाला भी पॉइंट यहाँ से पास हो जाए, इस जगह से जब ये क्रेस्ट, ट्रफ और क्रेस्ट दोनों पास हो जाएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, एक साइकिल हो गया, ठीक है। यहाँ से लगाए और यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिख रहा है वो एक साइकिल है, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, वेव लेंथ के बराबर है, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में सभी लोग जानते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ वेव इन वन सेकेंड इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ वेव, एक सेकेंड में वेव के द्वारा ट्रेवल की जाने वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसको सी से डिनोट करते हैं। और लाइट की स्पीड क्या होती है एक सेकेंड में, वेलोसिटी क्या है लाइट की, लाइट की जो स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। साउंड बच्चों जानते हैं कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है, 343 मीटर पर सेकेंड। अगर हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेजेंट है और 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो साउंड की स्पीड क्या होगी, 343 मीटर पर सेकेंड होगी, बहुत कम। लेकिन लाइट की स्पीड जो होती है वो लगभग 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसीलिए जब लाइटनिंग होती है तो आप देखते होंगे बच्चों कि लाइटनिंग, बिजली पहले चमकती है और बादल का जो ठंड मतलब गर्जन है वो बाद में आता है। कभी भी ऑब्जर्व करिएगा, जब आपके पास लाइटनिंग एंड थंडरिंग होगी तो आप देखेंगे कि लाइट पहले हमको दिखती है, चमकती है, उसके बाद हमारा थंडरिंग प्रोसेस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट जो प्रोपोगेट करती है फास्टर देन साउंड, और बहुत ज़्यादा फास्ट करती है, ठीक है। ओके चलिए बच्चों, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज़ द हाइएस्ट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ वेव, किसी वेव का जो हाइएस्ट लेवल ऑफ क्रेस्ट हो या जो लोएस्ट लेवल ऑफ ट्रफ हो, इसको यहाँ से सरफेस से, ये सरफेस लाइन दिख रही है ना, इससे इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, या इससे इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इस वाले डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड। बात समझ में आई बच्चों, इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड बाय द लेटर ए। चलिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। चलिए, क्या एम्पलीट्यूड बताता है, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इंटेंसिटी बताता है। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी मतलब होता है बच्चों, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई कोई टॉर्च कम हमको मतलब चमक दे रहा है, कोई कोई टॉर्च बहुत ज़्यादा चमक देता है ना, इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसका रेस जो है ज़्यादा है, इसलिए चमक ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है ना। तो वही होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब घनत्व बहुत ज़्यादा है लाइट रेस का, ठीक है। वेव नंबर जिसको हम न्यू बार बोलते हैं, ओके, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर, एंड इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर।
तो जो हमारा वेव नंबर है ये क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाई न्यू बार, मतलब न्यू के ऊपर बार लगा दीजिए, है ना, एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि अगर जनरली हम वेवलेंथ को सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ये 1/सेंटीमीटर मतलब 1/वेवलेंथ होगा, तो सेंटीमीटर का इनवर्स हो जाएगा वेव नंबर। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स भी इसकी एसआई यूनिट होती है वेव नंबर की। तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, 1/वेवलेंथ। वेवलेंथ का जो इनवर्स होता है उसी को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। तो वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लैम्डा लिखेंगे, और वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, इसमें रिलेशनशिप क्या होता है, दीज थ्री करेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड एज सी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये लाइट का कांस्टेंट है ना, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी है वो है ये सी इज इक्वल टू लैम्डा। क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ये एनर्जी है, यानी कितना ज़्यादा उसका पर सेकेंड वेव किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को पास कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का एक सीधा सा मतलब आप जान लीजिए, जिसकी जिस भी लाइट रेडिएशन की जो है, लाइट रे की मतलब जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, लाइट रे ही नहीं, जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम होगा और उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ को ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है ना, और एनर्जी क्या हो जाएगी, उस रेडिएशन की कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है। ये तो एक रिलेशन है कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू न्यू, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये अगर वेलोसिटी निकालने को आ गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू सॉरी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सी की जगह क्या रखते हैं हम लोग, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, ठीक है। और 1/लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, मतलब न्यू बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। तो सी इंटू न्यू हो जाएगा, 1/लैम्डा की जगह अगर हम न्यू रख दें, न्यू बार रख दें, तो सी इंटू न्यू बार हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट इंटू न्यू बार। ये आप लोग रिलेशनशिप समझ गए होंगे। अब हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग को बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है, उसके लिए हम लोग को पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इलेक्ट्रॉन एटमिक स्ट्रक्चर का है वो बोर मॉडल ही है बच्चों। बोर मॉडल जिसने समझ लिया उसको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे जितने भी टर्म्स हैं इन सबको अच्छे से आप ग्रैब करिए, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दिस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो क्या करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या करती है, दिस कंसिस्ट ऑफ, ये किस चीज़ से बनी होती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, दैट ऑसिलेट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच दे द वेव इज ट्रेवलिंग एज सोन इन द फिगर। चलिए ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी वेव ये देखिए, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है ना, तो एक्स और वाई डायरेक्शन आपको दिख रही है, तो ये एक्स डायरेक्शन में अगर वेव आपकी चल रही है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वेव आपकी प्रोपोगेट हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ बना, मान लीजिए, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर बनेगा ऐसे, ठीक है ना बच्चों। ये एक्स है, ये वाई है, तो इसको जेड लेना चाहिए था, ठीक है, चलिए यहाँ पर जेड कर लीजिएगा। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये जेड डायरेक्शन है। कोऑर्डिनेट जो है ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतना जानते होंगे। तो एक्स डायरेक्शन में अगर वेव इस डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए आपने स्टोन डाला पानी में, कुछ डाला स्टोन को, तो वेव ऐसे से बनी, लेकिन जब लाइट आती है ना, तो लाइट पानी की तरह वेव नहीं है, उसकी वेव कैसे, देखिए इस डायरेक्शन में वेव की मतलब एनर्जी के फॉर्म में चलेगा आगे, है ना, वेव इधर चलेगी, मतलब लाइट रे इधर चल रही है, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कैसे बनेगी, इस जो जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन है या लाइट रे का प्रोपेगेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा, और इसके भी परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिकल फील्ड के भी और इसके भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोला जाता है ना,
लाइट को या रेडियो वेव को या गामा रेस को या कुछ भी हो, कॉस्मिक रेज हो, अल्ट्रावायलेट रेज हो, एक्स रेज हो, ठीक है, रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, ये सारे के सारे जो मतलब हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनको बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 × 10⁸ m/s के हिसाब से ये क्या करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं, और इस तरीके से कुछ उनके में होता है, ठीक है ना। जब ये प्रोपोगेट करती हैं वेव, ये रेडिएशन, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बनाती चलती है। अब देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर देगी। ठीक है, चलिए बच्चों, समझ में आ गया बच्चों कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि द टू फील्ड कंपोनेंट हैव द सेम वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा ना, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं द टू फील्ड कंपोनेंट्स हैव द सेम वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है उसमें दो फील्ड बन रही है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या होगा, दोनों फील्ड के कंपोनेंट्स के पास क्या होगा, सेम वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी सेम होगी। मतलब दोनों फील्ड, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है वो सेम होगी, बराबर होगी। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल विद द सेम स्पीड, सारी के सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती हैं, सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं इन वैक्यूम। द स्पीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3 × 10⁸ m/s, या अप्रॉक्सीमेटली 2.99792 5 × 10⁸ m/s इस स्पीड से, 3 × 10⁸ m/s इसलिए लिख देते हैं क्योंकि एक्चुअल स्पीड ये है, और ये करीब करीब किसके बराबर है, 3 के बराबर है, 2.99792 5, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है बच्चों। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 × 10⁸ m/s की स्पीड से चलती हैं सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके बच्चों, और दिस स्पीड इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं, और इसको सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फॉर प्रोपोगेशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है प्रोपोगेट करने के लिए, चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है बच्चों, ये ध्यान रहे। साउंड की स्पीड लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड से बहुत कम होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइट रीचेज अस फ्रॉम द सन थ्रू एम्प्टी स्पेस। अब हम जानते हैं सन और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, मतलब लार्ज डिस्टेंस क्या है, एम्प्टी है, कोई वहाँ पे जैसे एटमॉस्फेयर यहाँ पे है अर्थ का वैसा कुछ नहीं है, वैक्यूम है। तो अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि लाइट है, लाइट आ जा रही है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या है, सोर्स इंडिपेंडेंट है, मतलब सोर्स के बल पे वो प्रोपोगेट नहीं करेगी। लेकिन साउंड अगर आप जाइए चाहिए चांद पे, और सोचिए कि आप एक दूसरे से बात कर लें, तो बिना ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के आप बात नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, चलिए, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, चलिए ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग देखेंगे। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास सेम स्पीड होती है। हाउएवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन डिफर्स फ्रॉम वन अनदर इन देयर वेवलेंथ एंड देयर फॉर इन फ्रिक्वेंसी। ये क्या कह रहा है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अलग अलग तरह की जो रेडिएशन होगी ना वो डिफर करेगी एक दूसरे से, कैसे, वेवलेंथ से। अगर वेवलेंथ उनका अलग अलग हुआ, अलग अलग रेडिएशन का, तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग होगी। तो क्या बच्चों उसकी स्पीड बदल जाएगी, बच्चों उसकी स्पीड तो यही रहेगी, कॉन्स्टेंट ही रहेगी, 3 × 10⁸ m/s ही रहेगी। क्या बदलेगा, या तो फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी बदलेगी तो वेवलेंथ बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि जब फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ घटता है, बात समझ में आई। क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है इज इक्वल टू वेलोसिटी कॉन्स्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना। तो एंड सी इज़ कॉन्स्टेंट, सी क्या है, कॉन्स्टेंट है, सी की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ m/s। तो वेलोसिटी क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। दस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल विथ अ लॉन्ग लॉन्ग वेवलेंथ हैज़ लो फ्रीक्वेंसी, वाइल द रेडिएशन विथ शॉर्ट वेवलेंथ हैज़ अ लार्ज फ्रीक्वेंसी। द कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सारी के सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कंप्लीट रेंज होगी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे बच्चों, है ना। चलिए, दस द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, है ना, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या
क्या कह रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, या तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में देखिए या डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी हो, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो अभी हमने एक चीज़ आपको दिखाया था बच्चों कि मान लीजिए आपने कोई लाइट सोर्स ले लिया जैसे टॉर्च, यहाँ कार्डबोर्ड लगा दिया, कार्डबोर्ड में एक होल कर दिया, यहाँ से एक रे निकल सकती है, उसको आपने प्रिज्म पे क्या कर दिया, इंसिडेंट करा दिया। अब जैसे ही इंसिडेंट कराएंगे बच्चों ये क्या होगा, ऐसे कुछ इस तरीके से स्प्लिट होगा, बात समझ में आ रही, सात कलर बनते हैं, वेव क्योर जी वाई ओ आर वेव क्योर। अब क्या है बच्चों, जो ज़्यादा क्या हुई डिविएट हुई ना, जो ज़्यादा जिसका मतलब जो ज़्यादा मुड़ गई है ना, वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जो कम मुड़ी लाइट रे जो कम मुड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ना, और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है इसमें, वाइट लाइट में, वाइट लाइट में जब हमने प्रिज्म से पास कराया तो ये कुछ इस तरीके से सिनेरियो मिला कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू है ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रही है, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, रेड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, ऑरेंज की, ऑरेंज से ज़्यादा येलो, सबसे ज़्यादा वायलेट की होगी, इसमें वाइट लाइट जो स्प्लिट होती है, ठीक है, बात समझ में आ गया। और इस चीज़ को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों, छोटी छोटी चीज़ों को समझते चलिए है ना, काम आएगा अभी आपके, जब हम लोग बोर मॉडल पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा बच्चों, ठीक है ना। द कम्प्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज सोन इन फिगर 12, जो कम्प्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको फिगर 12 में शो किया गया है, डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाई डिफरेंट नेम्स, अलग अलग रीजन को अलग अलग नेम से जानते हैं। इट मे बी नोटेड दैट सम बुक्स इंक्लूड कॉस्मिक रेज इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च इन एस्ट्रोफिजिक्स कॉमिक रेज, जो कॉस्मिक रेज होता है, कॉस्मिक रेज बच्चों बहुत ही हाई क्या होता है, इसका फ्रिक्वेंसी होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें ना, रेज आर हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल एंड शुड नॉट बी इंक्लूड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। ये कॉस्मिक रेज मिलती कहाँ है, सन के अंदर, जहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है ना, वहाँ पे कॉस्मिक रेज मिलती है, ठीक है ना। इसको अब फर्दर स्टडी हुई है, कुछ इस पे डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो कॉस्मिक रेज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, कुछ बुक्स करते भी हैं तो देख लीजिएगा आप लोग, अगर आपके पास ऐसी बुक है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, उस पार्ट को आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे अभी, ठीक है। डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी किसी भी स्पेक्ट्रम की घट रही है, देखो जो है इस साइड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी घट रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का, देखो सबसे ज़्यादा 10^24, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी साइकिल पर सेकंड, 10^24 साइकिल पर सेकंड पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। अब 10^22, 10^20, 10^18, ये देख रहे हैं ना, घट रहा है, पावर प्लस में हो तो वैल्यू जो मैग्नीट्यूड नंबर है वो घटने से पावर ये वैल्यू घटती है, लेकिन अगर नेगेटिव पावर हो तो नंबर घटने पर वो वैल्यू बढ़ती है, बात समझ में आई बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है, अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो क्या बढ़ रहा है, इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है, बात समझ में आया। देखो 10^-16 छोटा होगा 10^-14 से, 10^-14 से 10^-10 बड़ा होगा, इससे 10^-4 बड़ा होगा, 10^-2 बड़ा होगा, 10^0 इससे बड़ा है, 10^2, 10^6, ये सब बढ़ते हुए क्रम में क्या है, जो हमारा वेवलेंथ है, ठीक है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इधर घट रही है तो इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें किसकी शो की गई है, गामा रेज की, ठीक है, गामा रेज बहुत ख़तरनाक होती है बच्चों, ठीक है, उससे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक्स रेज की, एक्स रेज भी बहुत ख़तरनाक होता है, देखते होंगे जब एक्सरे करने वाला जो होता है वो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ करता है, ठीक है ना, बार बार आपका एक्सरे किया जाए आपकी हड्डियों पर तो कहीं ना कहीं आपकी हड्डी इतनी ज़्यादा पोरस हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी कि आप उसको थोड़ा सा भी मरोड़ देंगे टूट जाएगी, ठीक है। तो गामा रेज सबसे ख़तरनाक, इससे आपका कैंसर हो सकता है, ठीक है, एक्स रेज वो उससे थोड़ा कम ख़तरनाक लेकिन बहुत ख़तरनाक, अल्ट्रावायलेट रेज ये भी ख़तरनाक, ये सब कहाँ आती है बच्चों, ये सब कहाँ मिलती हैं, एक्स रेज तो आप जानते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आती है, सन से, लेकिन सन से हमारे तक
नहीं पहुंच पाती। अल्ट्रावायलेट रेज कई चीज़ों में मिलती है, कई लाइट सोर्स में मिलती है ना, तो ये सब अभी नहीं जानना हम लोग को इतना ज़्यादा। बस ये जानिए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी गामा रेज की, फिर उससे कम एक्स रेज की, उससे कम अल्ट्रावायलेट रेज की, उससे कम इंफ्रा रेड की, ठीक है ना, उससे कम माइक्रोवेव की, उससे कम FM रेडियो वेव है ना, AM वेव, चलिए FM एंड AM रेडियो वेव, चलिए ये क्या है, लॉन्ग रेडियो वेव, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी घट रही है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा, उससे कम इसकी एनर्जी, उससे कम इसकी एनर्जी, उससे कम इसकी एनर्जी, सबसे कम इसकी एनर्जी, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे विजिबल जो लाइट, विजिबल रेज है, विजिबल लाइट है ना, उसका कहाँ पे आ रहा है, उसका कुछ पॉइंट यहाँ पे आएगा, यूवी रेज और इंफ्रा रेड के बीच में है ना इसकी एनर्जी होती है, यानी इंफ्रा रेड से ज़्यादा एनर्जी होगी, यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से कम होगी एनर्जी, किसकी, जो हम लोग वाइट लाइट रिसीव करते हैं सन से, जो हमारे यहाँ अर्थ पे आकर के इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो विजिबल रेस इस रेंज में होती है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में। अब विजिबल स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा बनेगा, विजिबल स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जैसे ही हम इसको प्रिज्म में पास करते हैं तो सबसे ऊपर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, इसका मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी है, रेड वाली जो आपकी होगी, और सबसे कम जो है वेवलेंथ किसकी होगी, वायलेट की, ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वायलेट की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेड की। अब बीच में मिडिल वालों को आप देख लेंगे, मीडिएटर कौन होता है, एकदम मिडिल में होता है येलो, बात समझ में आई बच्चों। चलिए आज हम लोगों ने ये सब छोटी छोटी चीज़ें कवर कर ली हैं, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग इसको रोक देंगे, और कल के दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग मूव कर जाएंगे कहाँ पे, बोर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, तो वही हम लोग को मेनली पढ़ना है, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। चलिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट विजिबल लाइट विच ह्यूमन आइज कैन डिटेक्ट कंस्टिट्यूट्स ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इंटरेस्टिंग है, जिसको नोट किया जा सकता है कि जो विजिबल लाइट है, ठीक है, विच ह्यूमन आइज कैन डिटेक्ट कंस्टिट्यूट्स ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो विजिबल लाइट हम ह्यूमन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा पोर्शन होता है टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, यानी कि जो सन का ओरिजिनल स्पेक्ट्रा है उसको पाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको अर्थ के एटमोसफियर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मतलब जैसे आपका अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, इसको भी अपर एटमोसफियर में आपको जो ओजोन लेयर्स हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं या आपका रिफ्लेक्ट कर देती हैं, तो कई सारे जो गामा रेज है या कोई भी इस तरह की रेज आती है जो हार्मफुल होती है, उसको हमारे अपर एटमोसफियर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इसका मतलब ज़्यादातर पार्ट तो या तो एब्जॉर्ब हो गया अपर एटमॉस्फेयर में या तो रिफ्लेक्ट हो गया, अर्थ तक तो ज़्यादा पहुँचा ही नहीं, तो जो हम वाइट लाइट पाते हैं वो एक्चुअल में कुछ पोर्शन ही होता है जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। ओरिजिनल स्पेक्ट्रा अगर आपको चाहिए तो चांद पे चले जाइए, वहाँ पे आप प्रिज्म से पास कराएंगे, लेकिन आप अगर ऐसे ही पहुँच गए बिना किसी तैयारी के, बिना किसी मतलब उस तरह का जो आपका एस्ट्रोनॉमी वाला जो होता है कोट वगैरह पहने बिना पहुँच गए वहाँ, तो आपको रेस तुरंत ही ख़त्म कर देगी वो, ठीक है, बहुत जी नहीं पाएंगे आप ज़्यादा। द विजिबल स्पेक्ट्रा इज ऑल्सो सोन सेपरेटली, डिफरेंट कलर्स इन द स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड टू वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसीज, ये सब चीज़ें हमने समझा दी बच्चों, अब इसको आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ करके खुद समझ लीजिएगा, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। मैंने जितनी छोटी छोटी चीज़ें थी सब कवर करा दी है, इतना आप लोगों के छोड़ देते हैं, अगर नहीं समझ में कुछ आता है बच्चों तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा पॉज करके यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, ओके बच्चों। एक एक चीज़ मेरी कोशिश है मैं आपको बता दूं, ठीक है, उसके बाद चलिए फिलहाल आप इसको कवर करिए, जब हम लोग बोर मॉडल पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो जल्दी जल्दी इसको छोटा छोटा कवर करा करके चला जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा फील आने लगे, है ना, तो फील कैसे आएगा, जब सारी चीज़ें आप जानते रहेंगे, नहीं तो मैं डायरेक्ट अगर बोर मॉडल पढ़ाने लगूंगा, डेवलपमेंट्स इसके नहीं बताऊंगा, इसके बारे में नहीं बताऊंगा कैसे क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी, तो आप लोगों को बोर मॉडल ऑफ एटम समझ में नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से, जिसने बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ लिया समझ लिया उसको किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं होगी, तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों, एकदम भी परेशान नहीं होना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ ही है, आपने नाइन्थ में पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसको देखते चलिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।